क्या है जिया खान की मौत का राज? क्या सच में परवीन बॉबी को आत्माएं दिखती थी? क्या दिव्या भारती को जबरदस्ती शराब पिलाई गई थी? बॉलीवुड अपनी फिल्मों के अलावा यहाँ से मिलने वाली शान और शौकत के लिए भी जाना जाता है। जहाँ एक तरफ ये इंडस्ट्री आपको लाखों करोड़ों लोगों का प्यार देती है, वहीं कहा जाता है कि देने से ज्यादा ये आपसे छीन लेती है। अक्सर ही अपना नाम बनाने के लिए आपको अपनों की, अपने रिश्तों की कुर्बानी देनी होती है और कभी कभी तो खुद की भी। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही हैं जिन्होंने किसी कारणवश या तो खुदकुशी कर ली या रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ ऐसी ही हसीनाओं के दुख भरे अंत के बारे में। जिया खान। बॉलीवुड में जब भी किसी दर्दनाक मौत की बात होती है, जिया खान का नाम हमेशा ही हमारे जहन में आता है। मात्र 25 साल की उम्र में 3 जून 2013 को अपने घर में उन्होंने अपनी जान दे दी थी। आमिर खान, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के साथ फिल्में करने वाली इस अभिनेत्री की मौत ने सबको चौंका दिया था। यूं तो ये एक खुदकुशी थी, पर उनके शरीर पर मिले निशान और सुसाइड नोट के पन्ने कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया था। गौरतलब है कि ये केस आज तक भी कोर्ट में है। दिव्या भारती। बॉलीवुड में अपने छोटे से करियर के बावजूद दिव्या की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। मात्र 19 साल की उम्र में 5 अप्रैल 1993 में उनकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि आज तक भी उनके मरने के कोई वाजिब कारण का पता नहीं चल पाया है। कुछ का कहना है कि वो शराब के नशे में थी, इसलिए उनका पैर फिसल गया और वो 5th फ्लोर से गिरकर मर गई। जबकि कुछ लोग इसमें किसी साजिश का शक करते हैं कि किसी ने उन्हें शराब पिला दी और वहां से गिरा दिया ताकि ये आत्महत्या या एक्सीडेंट लगे। श्रीदेवी। अपने क्यूट लुक्स, कमाल के एक्सप्रेशंस के लिए प्रसिद्ध श्रीदेवी की मौत ने तो जैसे सबको हिला कर रख दिया था। एक फैमिली फंक्शन के लिए दुबई गई श्रीदेवी कभी वापस नहीं लौट सकी। 54 साल की उम्र में 24 फरवरी 2018 को उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसका कारण एक्सीडेंटल ड्राउनिंग बताया गया। पर आज भी लोगों को इसके पीछे किसी साजिश का शक है। परवीन बॉबी। अपने समय की दिग्गज और सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस कही जाने वाली परवीन पहली ऐसी स्टार थी जो टाइम्स मैगजीन के कवर पर दिखाई दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नामक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। जनवरी 2005 में अपने घर में वो मृत पाई गई थी। उनके मृत्यु के बारे में पुलिस को 3 दिन बाद पता चला, जब उनके घर के बाहर दूध और अखबार इकट्ठा हो गए। उनकी मृत्यु का कारण भी स्पष्ट ना हो सका। किसी ने ऑर्गन फेलियर बताया तो किसी ने डिप्रेशन को कारण बताया। यूं तो यहाँ बताई गई हर अभिनेत्री की मौत ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी, पर सबसे ज्यादा अगर किसी की मौत ने सुर्खियां बटोरी तो वो थी जिया खान की मौत। आज भी ये स्पष्ट नहीं हो सका कि उनकी मौत एक आत्महत्या ही थी या उन्हें मारकर इसे आत्महत्या का रूप दिया गया। गौरतलब है कि वो आमिर खान के साथ 2008 में फिल्म गजनी में नजर आई थी, जिसमें उनके काम को काफी सराहना मिली थी। खबरों के मुताबिक आमिर स्टार और इस फिल्म का दूसरा भाग भी बन सकता है। अब चूंकि दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच में नहीं है, तो ऐसे में उनकी जगह किसे देखना चाहेंगे, या क्या लगता है आपको कि फिल्म में उनकी जगह कौन ले सकता है? अपने विचार हमें लिखकर जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे और सेफ रहे। बाय।